कराची के आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम का वजीर कानून फरोग नसीम और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में इजहार ख्याल। इमरान खान ने एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का भी बाकायदा आगाज किया। हाउसिंग से मुतालिक इजलास में घरों की तामीर के मंसूबे का जायजा भी लिया। वजीर आजम इमरान खान से विपक्षी वजीर कानून डॉक्टर फरोग नसीम और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की। इस मुलाकात में बारिशों के बाद सूबा सिंध की सूरत हाल और खुसूसन कराची के मामलों पर बातचीत की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा, कराची की आवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है, कराची को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानब वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें घरों की तामीर और तामीराती शोबे की तरक्की के उमूर जेर गौर आए। उधर वजीर आजम इमरान खान ने एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। मौके खुसूसी सानिया निश्तर ने वजीर आजम को एहसास नशोनुमा प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर शाह फरमान, वजीर आला महमूद खान, विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी भी इमरान खान के हमरा थे। एहसास नशोनुमा मुल्क की तारीख में स्टंटिंग की रोकथाम का पहला हुकूमती प्रोग्राम है। 3 साल नशोनुमा प्रोग्राम का बजट 8 अरब 52 करोड़ रुपए है। मुस्तहकीन को सेहत बख्श गजा की फराहमी के साथ सैमाही नशोनुमा वजीफा भी दिया जाएगा। बच्चियों के लिए 2000 रुपए जबकि बच्चों के लिए 1500 रुपए सैमाही वजीफा होगा।